Assalamu alaikum. This is Shabkat Ali Khan and welcome to my YouTube channel Shabkat Ali Ulaq. चलो कुछ फोटोग्राफी कर लेते हैं, तो हम आए हैं इधर साइड और फोटोग्राफी कर लेते हैं, तो चलिए हमारे साथ। तो हम पहुंच गए जी, ये जो गेट लगा हुआ है यहाँ बन रहा है MM अलामा के नाम से, अलामाबाद बन रहा है। ये हमारे गांव के लोगों ने दी है, 1000 कनाल ज़मीन है, तो चलिए हम आपको अंदर ले जाते हैं। तामीराती काम यहाँ पर शुरू है, फोटोग्राफी के लिए चलते हैं। तो हम अलामाबाद के अंदर पहुंच चुके हैं और ये जो इलाका है सारा, ये अलामाबाद का इलाका है। ये तकरीबन 1000 कनाल ज़मीन हमारे गांव वालों ने दी है एयरफोर्स वालों को। यह बन रहा है कैडेट कॉलेज, 300 बेड अस्पताल भी उस पर काम शुरू है। मैं जहां खड़ा हूं, यहां मिट्टी का एक बहुत बड़ी दीवार बनाया गया है वो पानी के लिए बनाया, क्योंकि सर गर्मियों के मौसम में यहाँ बहुत ज़्यादा पानी होती है। और मेरे कुछ फ्रेंड आए तो कहते हैं कि चलो कुछ फोटोग्राफी कर लेते हैं। ये जो इलाका है अलामाबाद, इसका नाम है और ये MM अलामा के नाम से बन रहा है, जो पाकिस्तान का रियल हीरो था। और ये मेरे साथ साथी है, और ये लोग बहुत शर्माते हैं, कैमरे के सामने नहीं आते यार, पता नहीं क्यों। ये मेरे साथ जो फ्रेंड है अब्दुल फयाज है, ये बंदा आप लोगों को कुछ कहता है पश्तो में। मैं हूँ केसर खान, ज़ियम अब्दुल फयाज। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल शबकत उल्लाह को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान दबाए और आने वाली वीडियो को मिस ना करें। और अब मेरा फ्रेंड केसर खान आप लोगों से कुछ कहता है, तो सुनिए इसका बात भी। चैनल सब्सक्राइब करी। मेरे जो साथी है ये बहुत शर्माते हैं, कुछ नहीं कर सकते यार, पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है, कैमरे के सामने बात भी नहीं कर सकते। देखिए ये कैसे हंस रहे हैं ये सारे लोग, लेकिन ये मैं व्लॉग से कट नहीं करूंगा, ये सारे मैं व्लॉग में डाल दूंगा। अब हम आगे चलते हैं, तो सामने एक चौपड़ी है जहाँ पर शिकारी लोग आते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं, रात को आते हैं यहाँ।
मेरे साथ जो फ्रेंड है असद खान, ये बहुत नाइस बंदा है, बट मेरे साथ जो और फ्रेंड है इसी की वजह से ये कैमरे के सामने नहीं आता, वरना ये ज़रूर आता। जो है ये मिट्टी का दीवार है, इतना ऊपर बहुत बड़ा दीवार है, और इसके मजबूती के लिए ये पत्थर है ये उस पर लगाते हैं ताकि पानी की वजह से ये खराब ना हो सके। इसको एक खूबसूरत नमाइश के साथ लगाएंगे तो खूबसूरती भी होगी मजबूती भी होगी। ये एक झोंपड़ी है, अबे आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ? ठीक ना, ठीक ना, आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार करें कि रमजान आने वाला है। इस जगह पर पत्थर लगाए गए हैं और उस साइड नहीं लगाए थे, ये सारे इलाके पे ऐसे पत्थर लगाए सारी दीवार पर, मिट्टी का जो भी दीवार है। आखिर में एक बात ये कि अपने आपका और अपने माँ बाप के हुकूक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।